की मैंने रिपोर्ट है, सैलरी रिपोर्ट इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो इसमें डेटा हमारा सिंपल है कि नेम, हायर डेट, सैलरी, बोनस, ओवर टाइम, डिपार्टमेंट, सिक डेज, परफॉर्मेंस स्कोर, सिंपल सा है। और हमने डैशबोर्ड में क्या क्या बनाया हुआ है देखिए, कि सबसे पहले तो यहाँ हमारा जो है एम्प्लॉयड डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब कि किस डिपार्टमेंट में कितना सेल्स है, ये हो गया। उसके बाद इसमें जो है ये लास्ट डेटा कब का बना हुआ है वो है, मतलब कि कब बनी है रिपोर्ट। दूसरा यहाँ पर आता है कि न्यू स्टार्टर प्रीवियस टू करेंट मंथ, एंड यहाँ पे नंबर ऑफ एम्प्लॉई, टॉप परफॉर्मेंस मतलब कि टॉप परफॉर्मिंग डिपार्टमेंट, सिक डेज कितना है, और ये सैलरी कंट्रीब्यूशंस डिपार्टमेंट वाइज, एंड स्कोर कि स्कोर 5 कितने लोग किया है, स्कोर ये कितना किया है, मतलब कि ये जो स्कोरिंग है ना हमारा, ये स्कोर इसके अकॉर्डिंग। और फिर यहाँ पे जो है आपका बोनस पेमेंट क्या किया गया है। और इसमें क्या है कि इंपोर्ट यहाँ बटन दिख रहा है, जैसे कि अगर मान लीजिए एक तीस मतलब कि करेंट मंथ का डेटा हुआ, जैसे ही हम इसको चेंज कर मतलब कि दूसरा मंथ होगा तो इंपोर्ट, इस पे हम क्लिक करेंगे इंपोर्ट, तो यहाँ पे क्या होगा कि आप फाइल सेलेक्ट करोगे, डेटा फाइल ओके करोगे, तो ऑटोमेटिकली आपका रिपोर्ट पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा, समझे। ओके तो रिपोर्ट क्या करता है, समझ में आ गया। अब चलिए इसको बनाते कैसे, तो इसको बनाने के लिए हम दो सीट नया ऐड करते हैं, जिसमें एक हमारा डेटा ऐड होगा, डेटा ऐड होगा, एक यहाँ पे डेटा है आप जो देख रहे हैं डेटा, और दूसरा हम जो अपना डेटा तो ऑलरेडी है, तो यहाँ पे डेटा 1 कर देते हैं, और दूसरा हमारा यहाँ पे सेल्स समरी कर दिया, डैशबोर्ड कर दिया, समरी कर देते हैं हम यहाँ पे, ठीक है सौरभ जी। सौरभ जी सुन पा रहे हैं मुझे आप? हाँ सर। तो पहले हम डेटा को कॉपी करते हैं और डेटा 1 पे हम पेस्ट करते हैं। उसके बाद डैशबोर्ड में देख रहे हैं बैकग्राउंड में ये जो दिख रहा है, तो बेसिकली क्या है, ये बेसिकली एक ये है मतलब कि इमेज है, तो इमेज को इसने रखा हुआ है, समझ गए। तो मैं भी चाहूं तो इस इमेज को यहाँ पे रख सकता हूं, तो दो तरीके, एक तो है कि आप इमेज को ऐसे ही रख दो, इसके ऊपर से रिपोर्ट बनाओ, या फिर इसको जेपीजी में सेव करके एज ए बैकग्राउंड इम्पोर्ट कर लो। बैकग्राउंड इंपोर्टिंग में दिक्कत क्या होता है कि एक फाइल किसी को भेजते हो तो फिर वहां पे ट्रेवल नहीं होगा, क्योंकि वो जो जेपीजी फाइल है वो आपके ड्राइव में पड़ा हुआ है। तो अगर अपने सिस्टम के लिए बना रहे हैं तो इसका इस्तेमाल करेगा। दूसरा एक प्रिंट में नहीं आता है, पीडीएफ में नहीं आता है, तो ये यहाँ पे सुटेबल है कि आप इसको एज ए कॉपी पकड़ दो, नहीं तो आप जो है ना बैकग्राउंड में क्या फायदा होता है, मैं एक बैकग्राउंड बताता हूँ कि बैकग्राउंड में क्या फायदा होता है, कि बैकग्राउंड में जाता हूँ, यहाँ से पेज लेआउट में बैकग्राउंड होता है, ऑफलाइन उठाता हूँ मैं बीच, देखा दिख रहा है आपको। तो इसमें क्या है कि एक मतलब कि डेस्कटॉप कनेक्टेड है, ये फाइल मैं आपको भेजू तो ये आपके पास नहीं होगा, क्योंकि इसका जो बैकग्राउंड फाइल है तो डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है मेरे, तो मैं तो फाइल मेल करूंगा तो ईमेल तो ही मेल करूंगा, तो इसलिए। दूसरा है प्रिंट में या फिर पीडीएफ में, सेव एज पीडीएफ करेंगे तो ये चीज नहीं आएगा, तो इसलिए इसको हम नहीं करके डायरेक्ट कॉपी पेस्ट हमने किया हुआ है, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले हमें चाहिए सेल्स बाय इंप्लॉय कंट्रीब्यूशन, राइट। तो यहाँ पे देखिए कि इसने जो जिसने बनाया है रिपोर्ट, उसने क्या किया हुआ है कि उसने यहाँ पे मैनुअली इसने यहाँ पे पूरा डेटा दिख रहा है यहाँ पे काउंट इफ कर रखा है, तो हम भी यही करते हैं। तो
यहाँ पे हम सबसे पहले डेटा में जाते हैं, हम डिपार्टमेंट को कॉपी करते हैं और यहीं पे इसके बगल में हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे और यहीं पे हम क्या करते हैं डेटा रेनुमान में रिमूव डुप्लीकेट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें काउंट ओवर टाइम का टोटल एवरेज सैलरी ये सारा चाहिए, ये उठा लेते हैं। और यहाँ पे जनरली हम सम इफ लगा, यहाँ पे काउंट इफ लगाते हैं, काउंट इफ में हमने इसको सेलेक्ट किया और हमने इसको ले लिया तो ये काउंट इफ आ गया। इसके लिए हम एवरेज इसका सम माने कि सम इफ करेंगे ओवर टाइम का, एक ही कंडीशन इसलिए सम इफ कर रहे हैं कि क्राइटेरिया रेंज और ओवर टाइम है ना हमारा, तो यहाँ से ओवर टाइम ले लेते ई कॉलम में। उसके बाद यहाँ पे एवरेज ऑफ क्या है सैलरी, तो यहाँ पे एवरेज इफ और हम डिपार्टमेंट को लेते हैं और डिपार्टमेंट को यहाँ सेलेक्ट करते हैं एंड यहाँ पे और यहाँ पे एवरेज ऑफ बोनस एवरेज इफ इसको सेलेक्ट किया और हमने इसको सेलेक्ट किया और बोनस का टोटल ले लेते हैं। अब आता है परसेंटेज ऑफ रेटिंग 4 और 5, परसेंटेज ऑफ रेटिंग 4 और 5, इसने कर रखा है काउंट इफ्स प्लस काउंट इफ्स डिवाइड बाय M18। M18 कौन सा है? देखने दीजिए इसने क्या किया हुआ है। एच में 4 को प्लस काउंट, ओके। इसने क्या किया है कि रेटिंग जो है हमारा परफॉर्मेंस जो रेटिंग आता है हमारे डेटा में स्कोर जो है इसमें 4 और 5 को प्लस करके उसमें जो है ना डिवाइड किए हुए है 8 से, तो यहाँ पे काउंट इफ इसी लगा क्योंकि 4 एंड यहाँ आपका इस पे है 5 है तो इसमें प्लस किए हुए, लेकिन जैसे हम देख रहे हैं कि इसमें 6 को है नहीं रेटिंग क्योंकि 5 तक ही रेटिंग है, तो मैं सिंपल काउंट इफ्स भी लगा सकता हूँ कि काउंट इफ्स लगेगा, लेकिन कि काउंट इफ्स हमने बोला कि इसमें जाओ और फाइनेंस का काउंट निकालो, फिर हमने बोला कि इसमें आओ और मैंने बोला कि ग्रेटर देन, सॉरी इसमें इन्वर्टेड कॉमा हो जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में ग्रेटर देन इक्वल टू हमने यहाँ पे 4 कर दिया, तो 4 और 5 दोनों इंक्लूड हो जाएगा। और फिर हमने इसको डिवाइड किया 8 से और फिर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया। आया समझ में सौरभ जी? यस सर। अब फिर इसको जो है हम नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं तो हमारा ये बन गया। उसके बाद डेटा में यहाँ है, अब इसमें ये हो गया। अब आता है परफॉर्मेंस रेटिंग कि किस परफॉर्मेंस का क्या रेटिंग है ये निकाल रखा है, तो इसको एक बार लेते हैं। तो इसके लिए भी इसने काउंट इफ का इस्तेमाल किया हुआ है, काउंट इफ और इसने यहाँ जो हमारा ये है रेटिंग है और इसको सेलेक्ट कर लिया है,
किस स्कोर का क्या रेटिंग है ये आ गया है। उसके बाद अगर हम डेटा में जाएं तो इम्प्लॉयज कितने हैं, सिक डेज और कितने हैं, इसका इसने टोटल, तो सिंपल इसने काउंट लगा रखा है कि कितने एम्प्लॉय हैं और कितने छुट्टियां हुई है। तो ऐसे तो यहां भी हम इसको टोटल कर सकते हैं, लेकिन हम यहीं पे फॉर्मूला लगा देते हैं इक्वल सम, एम्प्लॉय के लिए काउंट लगा देते हैं, काउंट ए, काउंट ए, और हम काउंट ए में एम्प्लॉय का नेम सिलेक्ट करते हैं, लेकिन इसमें एक माइनस कर देंगे क्योंकि हेडिंग भी है इसका। और सिक डेज में भी हम सम करेंगे, और सम में हम सिक डेज लेते हैं, इसमें इसका सम आ गया। अब इसमें एक दिया हुआ न्यू स्टार्टर, न्यू स्टार्टर, तो न्यू स्टार्टर में क्या है, देखिए कि काउंट इफ्स बी टू से बी हंड्रेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन एन 14। अच्छा, इसमें डेट ईयर मंथ 14 ए स्टार्टर मंथ, समझे क्या हुआ, स्टार्टर मंथ बेसिकली यहाँ पे, लेकिन गलत है, यहाँ पे क्या है, रिपोर्टेड डेट है, जब रिपोर्ट डालेगा उस महीना, उसका महीना, उसका महीना है, समझ गए। इसका हम इसे प्रोग्रामिंग में इसको चेंज कर देंगे, अभी तो हम ये कर रहे हैं, फिर इसके प्रोग्रामिंग भी करेंगे वीवीए की। टुडे और टुडे पे हो गया, न्यू स्टार्टर मतलब कि इस महीने में कितना हुआ है, जो डेटा हमने बना लिया, अब इसकी हम लोग ये करते हैं, इसमें रिपोर्ट बनाते हैं। सबसे पहले हमारा आता है, ये आता है कि एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, तो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन मतलब कि हम यहाँ चेक करते हैं, ये ले लेते हैं इंसर्ट, और हम इस पे चार्ट बनाते हैं, चार्ट में ये चार्ट नहीं चाहिए, हम इसको चेंज करते हैं, चेंज चार्ट टाइप, ले लिया। अब जैसे कि इसका बैकग्राउंड व्हाइट, ये सब चीज करना है, सेम ऐसा ही कर देता हूं मैं, इसकी सबसे पहले राइट क्लिक फॉर्मेट चार्ट एरिया, फिल पिक, यहाँ पे सॉलिड फिल, और सॉलिड फील्ड में जो है ये नहीं है, कौन कलर है, यही था डार्क में, ये पूरे कलर चेंज कर देते हैं व्हाइट, और इसकी बॉर्डर कलर जो है इस फिल्म में, इसकी बॉर्डर कलर जो देखिए, जिसका जो बॉर्डर का कलर है, बॉर्डर का कलर जो है हम कर देते हैं जो कलर हमने लिया है सेम, और बॉर्डर की विड्थ बढ़ा देते हैं, ठीक
ठीक है, अब काउंट हटा देते, यहाँ पे लिख देते हैं एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, और इसको उठा के यहाँ कोने में रखते हैं, और इसको उठा के राइट क्लिक एड डेटा लेवल, और डेटा लेवल को सिलेक्ट करके हम करते हैं फॉर्मेट डेटा लेवल। तो इसमें क्या क्या है, नेम हो रही है और बाहर की तरफ है, और ये है आपका आउटसाइड एंड। अब इसका कलर जो है, इसका कलर हम कर देते हैं व्हाइट, नहीं गड़बड़ हो गई, नो फिल होगा इसका, नो लाइन होगा। इसके अंदर जो टेक्स्ट है यहां से कलर करेंगे टेक्स्ट का, ठीक है, क्लियर सर? लेकिन हम गलत कर दिए, हमें कनेक्टिविटी इससे नहीं करनी चाहिए थी, हमें कनेक्टिविटी इससे करनी चाहिए था ना, हम गलत डेटा ले लिए, तो ऑलरेडी बना हुआ है उस पर ना। अब एक चीज और इसमें सीख लीजिए, जैसे रिपोर्ट ले लिया, अब मुझे सेम फॉर्मेटिंग जो यहाँ है ना, सेम फॉर्मेटिंग इस पर करनी है, समझ गए? या फिर इसकी जो सेम फॉर्मेटिंग करनी है, तो चार्ट को कॉपी कीजिए और दूसरे चार्ट पे आइए, और फाइल होम में पेस्ट स्पेशल होता है, पेस्ट स्पेशल में आप फॉर्मेट कीजिए, सेम फॉर्मेटिंग हो जाएगी, समझे सर? सौरभ जी आया समझ में? हाँ, ये एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। अब इसको कट करते हैं, और कट करके अपनी समरी वाला डेटा पे पेस्ट करते हैं, और इसको सेट करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ की डेटा इंपोर्टेड दिख रहा है आपको, यहाँ पे डेट दिख रहा है, समझे? और ये डेट जो आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, तो इसके लिए हमें समरी पे आना होगा, और समरी में ऊपर देखिए, इंसर्ट में हमारे पास ये होते हैं सेप्स, टेक्स्ट बॉक्स ही ले लेते हैं यहाँ पे, और इस टेक्स्ट बॉक्स की फॉर्मेट यहां से कीजिए, इसकी बैकग्राउंड हटा देता हूं मैं, या फिर कोई और फॉर्मेट करना है जैसे कि येलो, ये ले लेते, सही है। हाँ, टेक्स्ट बॉक्स 3 का लाएगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ऐसा करने पे आपका डेटा लिंक नहीं होगा, समझ गए? जैसे कि डेट यहां दिख रहा है ना आपको, टुडे इंपोर्टेड, या 4 दिख रहा है, न्यू स्टार्टेड प्रीवियस करेंट मंथ, या फिर जो इम्प्लॉई टोटल 60 आ रहा है ना,
तो क्या अगर मैं अपने डेटा में जो 60 है इसको अगर मान लीजिए मैं 70 कर देता हूँ, तो ये डैशबोर्ड में चेंज होगा? नहीं चेंज होगा। तो ऐसे इसको VVA के थ्रू इसने टेक्स्ट बॉक्स डॉट वैल्यू करके इसमें यहाँ पे डेटा तो लिख दिया है, बट आप देख रहे हैं कि आपके लाइव डेटा से कनेक्टेड नहीं है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कनेक्टेड करोगे कि नहीं करोगे, लेकिन मेरा कहना है कि हम कनेक्टेड करें तो सही रहेगा। समझ गए? तो कनेक्टेड कैसे करें? तो हमने यहाँ पे बैकग्राउंड ले लिया और यहाँ पे नीचे लिख देते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ना, क्या है, डेटा इंपोर्टेड, डेटा इंपोर्टेड। डेटा इंपोर्टेड और डेट एंड टाइम जो यहाँ होगा, जैसे कि हमने अपने डेटा में यहाँ पे ये VVA के थ्रू लेगा, यहाँ पे इसको यहाँ पे रखवा देते हैं, डेटा इंपोर्ट। यह छोट कर देते हैं और यहाँ पे जब डेटा इंपोर्ट होगा, जैसे कि मैं अभी का डेट और स्पेस अभी का टाइम डाल देता हूँ, ठीक है। अब इसमें कॉपी करते हैं, कॉपी करने के अब इसमें एक काम और करते हैं कि मैं पेज लेआउट में जाके मैं गियरलाइन व्यू को हटा देता हूँ, ये सही रहेगा। अब इसको कॉपी करते हैं और कॉपी करके डेटा पे यहाँ पे देखिए पेस्ट एज ए, एक मिनट, पेस्ट एज ए पिक्चर लिंक आ रहा है, कॉपी पेस्ट एज ए पिक्चर लिंक, ठीक है। और इसकी यहाँ डेटा में कलर व्हाइट कर दूं मैं, तो वहां भी आपका व्हाइट हो जाएगा। अब इसमें क्या हुआ कि जैसे वहां चेंज हुआ तो ये भी चेंज हो जाएगा, ये बेटर है सर। क्या बोलना है सर? यस सर। उसके बाद ये आता है न्यू स्टार्टेड, न्यू स्टार्टेड फॉर करेंट मंथ, करेंट मंथ ही प्रीवियस एंड करेंट मंथ, यहाँ पे आता है न्यू स्टार्टेड प्रीवियस और करेंट मंथ। मतलब क्या हुआ, नहीं समझे, कि नई ज्वाइनिंग जो इस महीने, इस महीने यहाँ मार्च का ऑटोमेटिक है, मार्च ले रहा है, तो मार्च में जीरो है यहाँ पे न्यू स्टार्टेड, ठीक है ना। इस महीने कितना है यहाँ पे देखते, काउंट टिप्स दे रहा है कि इस डेट से इस डेट के बीच में यहाँ पे टोटल कर रहा है, समझ गए। तो इसमें हम सिर्फ करेंट मंथ रखते हैं, प्रीवियस मंथ करना चाहते हो तो फिर आपको यही पे इसका और भी टोटल कर देंगे तो हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए ना कि अभी कोई ज्वाइनिंग इस महीने का अप्रैल का मैं कर देता हूँ, ये थ्री सॉरी एक अप्रैल का ज्वाइनिंग हुआ 17, फिर क्यों नहीं आया इसमें? अच्छा हाँ, इसको चेंज करना होगा ना यहाँ पे, ठीक है, एक आ गया। तो अब अलग अलग कलर रखना है तो अलग अलग कलर की, एक ही कलर करना है तो एक ही कलर कर सकते हैं, इसको यहां से हम चेंज करते हैं, यहां पे आता है न्यू ज्वाइनिंग दिस मंथ, करेंट मंथ, करेंट मंथ, और इस पे ज्वाइनिंग जो हुई है उसको आप यहां से इसमें इसकी बैकग्राउंड आ दीजिए, बना वहां बैकग्राउंड आ जाएगा, यहां से बैकग्राउंड नो हो जाएगा। अब इसको मैं कॉपी करूंगा और अपने समरी पे जाऊंगा और यहां पे
दोबारा कॉपी करता हूँ। कॉपी समरी पे जाऊंगा और यहाँ पे पेस्ट एज ए पिक्चर लिंक, इस वन को यहाँ रखूंगा। और इसको यहाँ बीच में कर देता हूँ। और इसकी कलर में यहाँ पे अपने डेटा में व्हाइट करूंगा तो यहाँ भी व्हाइट हो जाएगा, अपने वहां भी व्हाइट हो जाएगा डैशबोर्ड में हमारे, ठीक है। और ये ऑटोमेटेड भी है। अब आता है टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय, तो समरी में इसी को कॉपी करते हैं। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय, उसके बाद एम्प्लॉय के लिए क्या कीजिए, यहाँ पे डेटा में आइए 60 को कॉपी कीजिए, डेटा में आइए, सॉरी कोई एक्टिव रह जाता है ना इस कारण से ऐसा होता है। कॉपी और यहाँ पे पेस्ट, ओ क्या रहा है, और इसकी साइज को यहां से बड़ा कर देते, ठीक है। और अपने डेटा में हम व्हाइट कर देते हैं, देवी व्हाइट हो जाएगा। फिर अब यहाँ पे होता है हाईएस्ट परफॉर्मिंग, मतलब कि कौन सा है हाईएस्ट परफॉर्मिंग डिपार्टमेंट, हाईएस्ट परफॉर्मिंग डिपार्टमेंट यहाँ पे दिख रहा है आपको हाईएस्ट परफॉर्मिंग डिपार्टमेंट। तो यहीं पे हम लगाते हैं फॉर्मूला मैक्स, और इसकी मैक्सिमम ले लेते हैं। और फिर मैं यहां पे लगाता हूं फॉर्मूला मैच, मैच में बोलता हूं कि इसको मैच करो इसके अंदर कॉमा जीरो, और फिर यहां पे आएगा हमारा इंडेक्स, और इंडेक्स में हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं सेल्स, ठीक है। हाईएस्ट परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट 4+5, ठीक है। डेटा में आते हैं, इसको कॉपी करते हैं, और इसको भी बड़ा कर देते हैं। देखिए इस तरह के डैशबोर्ड जो होता है ना, ग्राफिकल डैशबोर्ड बनाने में टाइम लगता है, समझे सर। ये सब टाइम लगता है और ये सबको बनाने में हमेशा टाइम लगता है, तो इसलिए हम लोग इस तरह की चीजें बनाने से अवॉइड करते हैं। लेकिन क्या करें, डिमांड होती है तो हमें बनाना पड़ जाता है।
इस तरह से बाकी चीजें कर सकते हैं ना सर, बाकी डेटा को फिल कर सकते हैं ना आप। जैसे कि सिक डेज लिया हमने, कॉपी किया समरी पे, पेस्ट एज ए पिक्चर लिंक, उठा के मैं यहां रखता हूं और इसको बड़ा करता हूं ताकि ये बड़ा हो जाए। ठीक है, और डेटा वन में जाके इसकी कलर व्हाइट कर देता हूं ताकि ये व्हाइट हो जाए। ये हो गया। ये जाएगा सिक डेज। ऑन। अब यहां पे हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो नेक्स्ट जो होता है हमारा कि इसमें सेल्स कंट्रीब्यूशन है, सेल्स वाइज एवरेज सेल्स कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो यहां पे हमने डेटा में देखा होगा, हमने यहां पे एवरेज निकाला हुआ है। बात आती है कि फिर इसको और इसको लेना है ना हमें, तो हम क्या कर रहे हैं कि इंसर्ट में एक ब्लैंक चार्ट पहले लेते हैं, फिर राइट क्लिक करके हम सिलेक्ट डेटा में जाएंगे और ऐड, इसमें हमारा ऐड होगा एवरेज ऑफ सैलरी। सॉरी ये मैंने गलत कर दिया, ऐड यहां पे तो हम लिख देंगे एवरेज ऑफ सैलरी का ले लेंगे, और यहां जो दिख रहा है आपको इसमें जो है हम सिलेक्ट कर लेंगे एवरेज ऑफ सैलरी। लेकिन चार्ट जो चाहिए वो यहां पे एडिट कर दीजिए, हमारा ये दिख रहा है। ठीक है, लेकिन मुझे इसमें चाहिए तो मैं इसी को राइट क्लिक करके चेंज चार्ट टाइप कर देता हूं और इसमें बार ले लेता हूं, बार चार्ट है ना हमारा। नहीं, ये बार चार्ट नहीं है सर, बेसिकली ये जो है चार्ट नहीं है, ये जो डेटा है। चार्ट जो है, बार चार्ट जो है हमारा, वो बार चार्ट है इसके ऊपर, बोनस पेमेंट के ऊपर। गलती कर दी हमने, तो हम डेटा में आते हैं अपने, एवरेज ऑफ क्या बोनस, तो इसको सेलेक्ट करते हैं एंड बोनस पेमेंट पे इसको ले जाते हैं और यहाँ पे। ठीक है, बैकग्राउंड है सीखो इट। यहां से भी हम कलर दे सकते हैं। कट करके समरी में नीचे रख देते हैं। नहीं, इसके नीचे तो नीचे है, इसके नीचे
उसके बाद जो है हमारा ये, यहाँ आप देख रहे हैं ये ग्रीन कलर का दिख रहा है समरी में, ऊपर से ये डेटा रखा हुआ है लगभग। तो इस केस में हम क्या करेंगे, ये सबसे पहले समरी में हम यहाँ इंसर्ट में जाके एक सैप लेंगे या टेक्स्ट लेंगे, जो भी कह लीजिए आप, सैप ही ले लेते हैं, और यहाँ से इसको हम डिजाइन करते हैं। या फिर सैप ना लेके आप जो है इसको दूसरा कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि इंसर्ट ये बॉक्स, ये जो रेक्टेंगल है ये भी ले सकते हैं, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आउटलाइन में नो लाइन पर देता हूँ, लाइन नहीं रहेगा। और उसके बाद जो डेटा है हमारा, डेटा में जो हमारा ए है इसको हम सेलेक्ट करते हैं, और कंट्रोल के साथ सैलरी का एवरेज जो है क्लिक करते हैं, तो कॉपी कीजिए और समरी में पेस्ट एज ए, क्या हो रहा है, बार बार ऐसा हो क्यों जाता है। पिक्चर लिंक, ऐसे तो उसने अलग अलग किए हुए हैं, नहीं सही नहीं है, उसने क्या किया हुआ है, अलग अलग कॉपी पेस्ट किया, समझ गए, इसने जो है इस तरह से अलग अलग कॉपी किया। समझे सौरभ जी, अलग अलग कॉपी किया हुआ है एक एक सेल। नहीं इसमें एक बार नहीं, एक बार होगा, अलग अलग नहीं एक ही बार होगा, ऐसा आप कर लीजिए इसको, ठीक है कर लेंगे ना। और उसके बाद जो है यहाँ पे इसने परफॉर्मेंस के लिए जो जितना भी परफॉर्मेंस है, एक मिनट इसको हटा देते हैं, इसको यही सी से कॉपी कर लेते हैं, और इसी की डेज में यहाँ पे जो ये रहता है कि वन, हाँ स्कोर वन स्कोर टू इस तरह से, स्कोर स्कोर वन, और इस पे भी उसने टोटल कर रखा है। पांच हुए टोटल, ठीक है। और इसमें जैसे हमने पेस्ट किया ना, ऐसे आप यहाँ पेस्ट कर लीजिए, सही रहेगा। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि मैं यहाँ पे इंपोर्ट के लिए बनाऊं तो डेटा को ऑटोमेटिकली अपडेट कैसे करेगा मेरा डेटा, तो इसके लिए हमें वीवीएम माइक्रो प्रोग्रामिंग करने पड़ेगा। चलिए वीवीएम माइक्रो प्रोग्रामिंग इसमें हम आपके साथ करते हैं, एक नया मॉड्यूल इंसर्ट करते हैं, और यहाँ पे सब्जेक्ट और अपडेट का लेते हैं, एपी।
सबसे पहले जो वो आता है ना वो क्या होता है, तो एमएसओ फाइल पिकर कहते हैं इसको। यहाँ पे टिम एफ एन एज ए एज ए स्ट्रिंग कर देता हूं मैं, और यहाँ पे हो जाएगा अप्लीकेशन बिथ होगा, माफ कीजिएगा बिथ अप्लीकेशन डॉट फाइल डायलॉग ब्रैकेट, इसमें हमें फोल्डर पिकर है फाइल पिकर है, तो हमें फाइल पिकर चाहिए ना, फोल्डर पिकर है तो फोल्डर नहीं फाइल पिकर चाहिए ताकि डेटा को अपडेट किया जा सके। फाइल पिकर डॉट इनिशियलाइज, इनिशियलाइज इनिशियलाइज फाइल ने मतलब हुआ कि डिफॉल्ट कौन सा ड्राइव होगा, तो मैंने बोल दिया कि डिफॉल्ट जो हमारा ई ड्राइव होगा। देन यहाँ पे होता है टाइटल, इसका टाइटल क्या होगा, तो टाइटल दे लिया कि सेलेक्ट डेटा फाइल, और यहाँ पे डॉट, यहाँ पे हम कर देंगे कि एफ एन इक्वल टू डॉट सेलेक्टेड आइटम, और यहाँ पे जीरो वन होगा, आई थिंक वन, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा एंड। तो जो फाइल हम सेलेक्ट करेंगे वो फाइल एफ एन के ऊपर स्टोर हो जाएगा, लेकिन पहले चेक कर यहाँ कंडीशन होगा कि इफ एफ एन ई लेन कर देते हैं कि लेन एफ एन इज लेस देन इक्वल टू वन, देन मैसेज होगा एम एस जी बॉक्स फाइल नॉट सेलेक्टेड, ठीक है सर। और फिर यहां पे एंड विथ एंड और यहां पे एग्जिट सर, यानी यहां पे एफ ना होना चाहिए था, गलती हो गया। उसके बाद यहां पे देंगे कि वर्कबुक डॉट वर्क बुक्स होगा डॉट ओपन एफ एन, ठीक है, वो पूरा पाथ का नाम देगा, और यहाँ पे सीट्स, इसमें हम डेटा सीट्स पे जाएंगे, आज डेटा सीट्स डॉट सेलेक्ट, उसके बाद रेंज ए वन को हम कॉपी करेंगे, ए वन डॉट रेंज सॉरी डॉट करेंट रीजन डॉट सेलेक्टेड, या कॉपी कर लीजिए कॉपी, ठीक है। उसके बाद आएंगे हम इस पे कि वर्कबुक वर्कबुक्स, और इसमें हमारा जैसे कि मतलब कि डैशबोर्ड डीएस कर देता हूँ, डीएस डॉट एक्सएलएसएम, ये जो नाम रखेंगे फाइल का, या फिर एक काम और कर सकते हैं, या कन्फ्यूजन है फाइल के नाम कुछ भी हो सकता है, तो मैं यहाँ पे एक और कर देता हूँ डीम करेंट एफ करेंट फाइल एज ए स्ट्रिंग, और यहाँ पे सी एफ इक्वल टू एक्टिव वर्क बुक डॉट नेम, इसका नेम आ जाएगा, और यहां पे हो जाएगा कि वर्क बुक्स, और इसमें सी एफ डॉट एक्टिवेट,
और सीट, यहाँ पे एक्टिवेट करने की भी जरूरत नहीं है, सी एफ डॉट एम ए पे कर देते हैं डॉट शीट, शीट्स के नहीं पहले पहलू का डाटा क्लियर करना पड़ेगा ना। अब इसमें डिपेंड, हाँ पहलू का पहला जब पहले का डाटा है वो सारा डाटा क्लियर करके नया डाटा डालना होगा ना, तो फिर एक्टिवेट करना पड़ेगा डॉट एक्टिवेट एक्टिवेट डॉट सीट्स डेटा वन डॉट सेलेक्ट, उसके बाद रेंज अब यहां पे प्रॉब्लम हुआ कि हमें इस काम को पहले करना चाहिए था, इस काम को पहले करना चाहिए था, ओपन करने से पहले, क्योंकि फिर कॉपी कर रखे ना हम रेंज ए से लेके एफ डॉट क्लियर कंटेंट, मतलब एच तक, माफ कीजिए एफ नहीं है एच है, अब इसमें एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम कर देंगे शीट्स, सॉरी शीट्स, और शीट्स में डायरेक्ट कर देंगे डेटा वन और यहां कर देंगे रेंज, रेंज और यहां कर देंगे ए वन डॉट पेस्ट स्पेशल, ठीक है, और यहां पे हो जाएगा एप्लीकेशन डॉट कट कॉपी मोड इक्वल टू फॉल्स, और फिर एक्टिव वर्क बुक डॉट बुक डॉट क्लोज, और यहाँ पे टू नहीं फॉल्स, सेव नहीं करना ना, और डेटा फाइल को उसके बाद जो लगा सीट समरी डॉट सेलेक्ट, पर ये मोटा कमा छूट गया ना, ते कोड समझ में आया सर? सौरभ जी थोड़ा बहुत बाकी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देखिए ये क्या है, ये हमने क्या लगाया फाइल डायलॉग, ये क्या करेगा कि जैसे कि इसको रन करूंगा ना, तो रन करते समय फाइल इसमें ओके ओके हमने इक्वल नहीं दिया, माफ कीजिएगा यहाँ पे इक्वल देना था, और ये गलती हो गया ना, तो ये क्या करेगा कि ये डॉट शो, हाँ ये पॉपअप क्या करेगा, ये विंडो लाएगा और हम जो भी फाइल सेलेक्ट करेंगे, हमने फाइल सेलेक्ट किया उस फाइल का पूरा पाथ जो है एफएन पे स्टोर करेगा, ठीक है, पूरा फाइल एफएन पे स्टोर करेगा, फिर ये चेक करेगा एफ की एफएन मतलब कि
का लेंथ जो है वो जीरो से या वन से कम तो नहीं है। वन से कम है इसका मतलब है कोई फाइल इस पे नहीं सिलेक्ट किया गया है, तो इसमें आपको मैसेज देगा कि फाइल नॉट सिलेक्टेड और एग्जिट सब हो जाएगा। उसके बाद डेटा वन सीट में जाएगा और डेटा जो प्रीवियस डेटा है वो डेटा को क्लियर कर देगा। फिर वर्कबुक जो नया एफएन जो आपने सिलेक्ट कर रखा है उसको ओपन करेगा और डेटा को पूरा सिलेक्ट करके कॉपी करेगा, ये देखिए कॉपी करेगा। उसके बाद आपके जो जहां क्लियर किया है ऊपर आपने डेटा वन में, वहां वो जाके पेस्ट स्पेशल कर देगा। पेस्ट स्पेशल करने के बाद फिर जो कट कॉपी का घूमते रहता है ना उसको स्केप करेगा और फिर फाइल को क्लोज कर देगा और फिर डेटा डिस्प्ले आएगा। और जैसे डेटा अपडेट होगा आपका, बाकी आपके सारा फॉर्मूले से लगा हुआ है ये सारा अपने आप अपडेट हो जाएगा, और जैसे ये अपडेट होगा आपका समरी भी ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। इट इज क्लियर? तो इस फाइल को आप पूरा कर लीजिए, ठीक है? और जहां दिक्कत होगी वहां हम आपको जो है बता देंगे, जहां भी दिक्कत होगी वहां हम आपको समझा देंगे। कल फिर हम आपके साथ किसी और फाइल के साथ आपके साथ मिलेंगे और किसी और फाइल पे आपको हम बताएंगे इसी तरह से, ठीक है ना? फंटास्टिक रिपोर्ट है, जैसे कि जब बनने पूरा तो इस तरह का रिपोर्ट बनेगा और ऑटोमेटिकली आपका बंदा अपडेट होगा। लेकिन इसमें क्या किया हुआ है कि जो नंबर दिख रहा है ना ये VVA कमांड के जरिए इसने शो किया, लेकिन हम जब जस्ट वैल्यू पेस्ट करके भी कर ले लिंक तो कनेक्टेड हो जाएगा। ऐसे भी नॉर्मल मैनुअल डेटा हम चेंज करेंगे तो ये अपडेट हो जाएगा। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जब तक डेटा आपका माने कि इससे इंपोर्ट डेटा से नहीं चेंज करेंगे तब तक आपका ये सब चेंज नहीं होगा, बट यहाँ पे ऐसी बात नहीं कि आप मैनुअल भी चेंज करोगे तो चेंज हो जाएगा, ठीक है सर? ठीक है, तो फाइल भेज दूं? ठीक है, मैं फाइल आपको भेज देता हूँ, फिर हम कल मिलते हैं सेम टाइम। ओके, और कुछ पूछना है प्रीवियस क्लासेस से? नहीं अभी कुछ नहीं है। ठीक है, इसकी रिकॉर्डिंग भी मैं आपको अभी यूट्यूब पे डाल के आपको भेज देता हूँ। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, बाय बाय।